वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आज है 31 जनवरी 2020 और लगाते हैं 31 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्विज़। इंपॉर्टेंट होंगे इस वर्ष होने वाली परीक्षाओं के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, 2 सेकंड का टाइम मिलेगा, सोचिएगा कि आंसर क्या है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2020 की टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रतिदिन 1 से 2 या फिर 3 टेस्ट अपलोड होते हैं, उनको देखा कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी टेस्ट सीरीज इस चैनल पर चल रही है सबका प्लेलिस्ट में लिंक बना रखा है, हर टेस्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है हाई स्पीड इंटरसेप्टर नाव के संदर्भ में, और नाव का नाम क्या है, C-448 के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो गलत है इनमें से। तो देखिए, कर्नाटक के मंगलूर में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाई स्पीड इंटरसेप्टर नाव C-448 को शामिल किया गया है, और LNT, ये L हट गया यहाँ से, LNT मतलब लार्सन एंड ट्रूबो शिपयार्ड द्वारा निर्मित इस इंटरसेप्टर शिप में सहायक कमांडेंट अपूर्व शर्मा के अंतर्गत 12 कर्मियों का एक दल होगा। इस बोट का इस्तेमाल गश्त लगाने और बचाव कार्यों के लिए किया जाएगा, और यह जो नाव है वो रात की निगरानी के लिए असमर्थ है। देखिए, 2020 इस समय चल रही है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रगति पर है, न केवल विश्व के विकसित देशों की बल्कि भारत की भी। तो ये रात के लिए भी बिल्कुल सक्षम है, इंफ्रारेड की सहायता से रात में भी देख सकती है, कार्य कर सकती है। तो गलत है यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट, गलत ही छाटना है हमको। चौथा गलत है, पहला करेक्ट है और दूसरा करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, यहाँ पर चौथा जो है वो गलत हो जाएगा। तो देखिए, कर्नाटक के मंगलुरु में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाई स्पीड इंटरसेप्टर नाव C-448 को शामिल किया गया है। LNT लार्सन एंड ट्रूबो शिपयार्ड द्वारा निर्मित इस इंटरसेप्टर शिप में सहायक कमांडेंट अपूर्व शर्मा के अंतर्गत 12 कर्मियों का दल होगा। इस बोट का इस्तेमाल गश्त करने और बचाव कार्यों के लिए किया जाएगा। नाव रात की निगरानी के लिए एक इंफ्रारेड प्रणाली से लैस है, जो उच्च गति अवरोधन, कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन आदि का कार्य कर सकती है। ये 20 समुद्री मील में 500 समुद्री मील की दूरी तय कर सकती है, और सॉरी फॉर दिस, ये 20 समुद्री मील से 500 समुद्री मील तक की दूरी तय कर सकती है और 45 समुद्री मील की अधिकतम गति से चल सकती है। तो यही है। अब बात आती है भारतीय तटरक्षक बल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य क्या है इनका, हम रक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, कहाँ किया गया है दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर। तो देखिए, ऋषिकेश नहीं है और हरिद्वार नहीं है और साबरमती गुजरात भी नहीं है, ये है आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित कान्हा शांति वन में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इस सेंटर का निर्माण श्री रामचंद्र मिशन और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के गठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया है। सेंटर हॉल और 8 परिधीय हॉल सहित बने मेडिटेशन सेंटर में 1,00,000 लोगों को ध्यान लगाने प्रशिक्षण मुक्त प्रदान किया जाएगा, मुफ्त प्रशासन प्रदान किया जाएगा। और देखिए, तेलंगाना में किया गया है ये, तेलंगाना हैदराबाद। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसई सुंदर राजन। ये पिछला इमेज यहाँ कहाँ से आ गया, ये तो नाव है ना C-448। क्वेश्चन नंबर 3 है हाल ही में द वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 नई दिल्ली में आयोजित हुआ, थंबनेल का प्रश्न है। तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और यह प्रतिवर्ष किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, यहाँ इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। द वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 प्रतिवर्ष किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, और ये 2020 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। देखिए, आयोजित किया जाता है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज
इंस्टीट्यूट टेरी के द्वारा, TERI के द्वारा। तो देखिए टेरी के द्वारा आयोजित किया जाता है, तो टेरी के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर अजय माथुर, और टेरी का मुख्यालय है नई दिल्ली में, और टेरी की स्थापना 1974 को, और टेरी के संस्थापक दरबारी एस सेठ हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में असम राइफल्स के शहीद हुए 357 सेना जवानों और असम राइफल्स के जवानों के लिए एक संयुक्त युद्ध स्मारक का निर्माण किया है, कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है नागालैंड में। कहाँ पर किया गया है? नागालैंड में किया है, असम राइफल्स ने किया है। शहीद कितने जवान हुए थे? 357 सेना के जवान भी शामिल थे इसमें, और असम राइफल के जवान भी शामिल थे इसमें। तो देखिए असम राइफल्स ने नागालैंड में एक संयुक्त युद्ध स्मारक का निर्माण किया। यह स्मारक पूर्वोत्तर राज्य में उग्रवाद से लड़ते हुए शहीद हुए 357 सेना और असम राइफल के जवानों के लिए बनाया गया है। स्मारक का निर्माण मोकोक चुंग में किया गया है, जो नागालैंड का सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र भी है। यह नागालैंड में अपनी तरह का पहला स्मारक है, जहां कोहिमा से प्रसिद्ध द्वितीय विश्व युद्ध का समाधि स्थल भी है, और असम राइफल्स गृह मंत्रालय के अधीन है, जो 2000 के बाद से भारत सरकार की वन बॉर्डर वन फोर्स नीति के तहत भारत म्यांमार सीमा की रखवाली कर रहा है। तो देखिए असम राइफल्स के महानिदेशक का नाम आपको याद रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान, और 1835 में असम राइफल अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 5 है, 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2020 में भागीदार देश कौन है? ये प्रश्न कल शाम का जो टेस्ट था यूपीएससी सिविल सेवा का, उसमें ऐड किया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला का थीम राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है, और यहाँ बात हो रही है भागीदार देश कौन सा है, तो उज्बेकिस्तान है। कौन सा है? उज्बेकिस्तान। तो देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फरीदाबाद हरियाणा में 1 फरवरी को 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन वो करेंगे, और यह मेला सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन कपड़ा संस्कृति और विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जाता है, और मेले का आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। अब देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फरीदाबाद हरियाणा में पहली बार, दो बार हो गया क्या? तो देखिए ये इम्पोर्टेंट, 34वें सूरजकुंड शिल्प, 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड जो शिल्प मेला 2020 में, उज्बेकिस्तान मेले का भागीदार देश है, और इस बार जो हिमाचल प्रदेश है उसको थीम राज्य के रूप में चुना गया है। मेले में देश और भारत के सभी राज्य भाग लेंगे, और मेले को 2013 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड किया गया था, जिसमें 2015 से लगभग 20 देशों को आमंत्रित किया जाता है। चूँकि हरियाणा की बात हो रही है, तो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में अफ्रीकी चीते को लाने की मंजूरी दी है। चीते को IUCN की लाल सूची में कहाँ रखा गया है, बताइए? क्या गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, क्या फिर संकटग्रस्त है, विलुप्त है, या फिर सुवैध है? देखिए इसको IUCN की सूची में CR है, मतलब ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और भारत से तो एक्सटिंक्ट ही इसको घोषित कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को उपयुक्त स्थान देकर अफ्रीकी चीते को लाकर बसाने की मंजूरी दे दी है, और भारत में पाए जाने वाले दुर्लभ चीता देश में लगभग विलुप्त हो गए हैं, और इसलिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने नामीबिया से अफ्रीका चीते को लाने के लिए याचिका दायर की थी, और सरकार की योजना नामीबिया जैसे अफ्रीकी देशों से चीता को भारत में लाकर फिर से बसाने की है। इसे IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त रखा गया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारतीय साइकिलिस्ट नाम क्या है? SO11 ने 6 दिन तक चलने वाले वर्लिन टूर्नामेंट की कीरियन व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है बताइए? स्वर्ण है, रजत है, कांस्य है, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए अगर इनमें से कोई भी नहीं जीता होता है तो प्रश्न ही क्यों बनता है। ये स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, गोल्ड मेडल जीता है, यही है SO11।
तो भारतीय साइकिलिस्ट एसओ एल्बिन ने 6 दिन तक चलने वाले बर्लिन टूर्नामेंट की कीरियन व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। 2017 की विश्व चैंपियनशिप में रजत जीतने वाले चेक गणराज्य के टॉमस बाबेक दूसरे स्थान पर रहे, जबकि जर्मनी के मैक्सिमिलियन लेव को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। कीरियन जो है वो 6 दिनों तक चलने वाला ट्रैक साइकिलिंग रेस स्पर्धा है। इस प्रतियोगिता में साइकिलिस्टों को हर दिन प्रतिस्पर्धा में भाग लेना होता है, और ये जो जीते हैं एसओ एल्विन को इस महीने की शुरुआत में मुंबई में स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2020 में यंग एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो जर्मनी में हुआ, तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और जर्मनी की मुद्रा है यूरो और जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मर्केल। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में मुंबई के वर्ली में, कहाँ पर? मुंबई के वर्ली में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2020 का उद्घाटन किया गया, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह दक्षिण एशिया में गैर फीचर फिल्मों का सबसे पुराना और सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव है। यह कौन सा? मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, और इसे भारत सरकार के केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। पहला तो करेक्ट है, इसकी शुरुआत सबसे पहले 1990 में हुई थी। हाँ हुई थी, ये भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। हमको गलत छाटना है, तो सभी के सभी सत्य नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि दूसरा गलत है, इसे भारत सरकार के केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आयोजित नहीं किया जाता। तो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? इसे किया जाता है फिल्म्स डिवीज़न और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो देखिए, मुंबई के वर्ली में स्थित नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम में डॉक्यूमेंट्री कॉमा शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों के 16वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2020 का उद्घाटन किया गया। यह दक्षिण एशिया में गैर फीचर फिल्मों का सबसे पुराना और सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1990 में, और इसे भारत सरकार के फिल्म्स डिवीज़न और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, ना कि केंद्रीय और सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के किस पड़ोसी देश ने पृथ्वी पर अब तक के सबसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र पर फैशन शो का आयोजन कर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है? तो कहाँ पर देखिए किया गया है, तो नेपाल में था ये फैशन शो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और गिनीज बुक में शामिल हो गया है। तो नेपाल ने पृथ्वी पर अब तक के सबसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र पर फैशन शो का आयोजन कर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। माउंट एवरेस्ट फैशन रनवे का आयोजन एवरेस्ट बेस कैंप के पास काला पत्थर पर तकरीब 5,340 मीटर की ऊंचाई पर किया गया। अगर देखा जाए तो 17,515 फीट। इस फैशन शो में इतिहास रचने के लिए 10 अलग अलग देशों की 18 सुपर मॉडल्स ने रैंप वॉक किया। इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है और माउंट एवरेस्ट का भी नाम यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो देखिए, चूंकि हुआ है ये कहाँ पर? नेपाल में, भारत का पड़ोसी देश है। तो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, नेपाल के स्पीकर हैं कृष्ण बहादुर महाराज, और नेपाल की कैपिटल सभी को पता होगी काठमांडू, और नेपाल की रुपया, सॉरी मुद्रा है नेपाली रुपया। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कोलकाता विश्वविद्यालय ने अपने वार्षिक दीक्षांत समारोह में किसे डॉक्टरेट ऑफ लेटर्स मतलब डिलीट की उपाधि प्रदान की है? किसको प्रदान की गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं, रामनाथ कोविंद को नहीं, इनमें से एक उत्तर है। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत विनायक बनर्जी को अभी नोबेल मिला था इनको अर्थशास्त्र का, और इनकी पत्नी है एस्थर डुफ्लो, यही हैं अभिजीत बनर्जी। तो देखिए, कोलकाता विश्वविद्यालय ने अपने वार्षिक दीक्षांत समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत विनायक बनर्जी को डॉक्टरेट मतलब डॉक्टरेट ऑफ लेटर्स डीलिट की उपाधि प्रदान की। उन्हें विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर सुश्री सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी ने उपाधि प्रदान की। देखिए, जैसा कि सभी को पता होगा, बनर्जी को वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर गरीबी कम करने के लिए प्रयोगात्मक प्रयासों बनर्जी को वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर गरीबी कम करने के लिए के प्रयोगात्मक प्रयासों के लिए 2 अन्य लोगों के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इसमें अब्दुल लतीफ जमील शामिल हैं जो पॉवर्टी एक्शन लैब के निदेशकों में से एक हैं,
और जिनकी स्थापना 2003 में की गई थी। अब देखिए और कुछ, देखिए प्रख्यात जो खगोल वैज्ञानिक है जे.बी. नार्लिकर को भी सर आशुतोष मुखर्जी मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया, और वैज्ञानिक समीर के, ये नाम है, वैज्ञानिक समीर के ब्रह्मचारी और अनूप कुमार राय चौधरी और पार्थ प्रतिम मजुमदार को सर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे पदक से सम्मानित किया गया। अब है आज का सवाल, क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में वर्चुअल पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किसने किया है, जिसकी सहायता से आप अपने डिस्ट्रिक्ट की शिकायत अपने घर बैठे ही दर्ज करा सकते हैं, मतलब FIR आप घर बैठे दर्ज करा सकते हैं वर्चुअल पुलिस स्टेशन के वजह से। तो उड़ीसा, क्या उड़ीसा है इसका आंसर, क्या उत्तर प्रदेश है इसका आंसर, और क्या आंध्र प्रदेश है इसका आंसर, क्या केरल है इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।